दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किए गए कवच सिस्टम के बारे में। इंडियन रेलवे ने एक नया इतिहास बना दिया है जहां पर पूरी तरह से स्वदेशी टक्कर सुरक्षा प्रणाली यानी कि कोलिजन प्रोटेक्शन सिस्टम कवच का सफल परीक्षण सिकंदराबाद में किया गया है। दोस्तों इस कवच सिस्टम की टेस्टिंग के दौरान इसने दो ट्रेनों को जो कि एक ही ट्रैक पर आमने सामने आ रही थी उन्हें एक दूसरे से टकराने से पहले ही कुछ ही मीटर्स पर रोक दिया। इसमें से एक ट्रेन में थे हमारे रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी और दूसरी ट्रेन में थे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन। इस कवच सिस्टम ने दोनों ट्रेनों को लगभग 380 मीटर के डिस्टेंस पर एक दूसरे से टकराने से पहले ही सक्सेसफुली रोक दिया था। तेलंगाना के सिकंदराबाद में ट्रेनों के बीच कवच का परीक्षण सतननगर शंकरपल्ली खंड पर किया गया। खुद रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसका एक मिनट का वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें इंजन के कैबिनेट में रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी और दूसरे ट्रेन में रेलवे के चेयरमैन दिखाई दे रहे हैं। रेलवे मिनिस्टर श्री अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करके बताया है कि रियर एंड टक्कर परीक्षण सफल रहा है। कवच ने दूसरी तरफ से आ रही लोको से 380 मीटर पहले ही हमारी लोको को अपने आप ही रोक दिया। देखिए कवच अपने से रोकने की कोशिश कर रहा है। ड्राइवर साहब आप तो ब्रेक नहीं लगा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि रेल मंत्रालय ने कई वर्षों के रिसर्च के बाद ये टेक्नोलॉजी इंडिया में विकसित की है। रेलवे का दावा है कि कवच दुनिया की सबसे सस्ती स्वचालित ट्रेन टक्कर सुरक्षा प्रणाली है। कवच के लगाने पर संचालन खर्च 50 लाख रुपए प्रति किलोमीटर तक आएगा, जबकि दुनिया भर में इस सुरक्षा प्रणाली पर जो खर्चा आता है वो प्रति किलोमीटर करीब 2 करोड़ रुपये के आसपास है। कवच प्रणाली में हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो संचार यानी कि रेडियो ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया जाता है। एक बार इस प्रणाली का इस्तेमाल होने पर 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर की सभी ट्रेन बगल की पटरियों पर खड़ी ट्रेन की सुरक्षा के मद्देनज़र रुक जाएंगी। कवच को 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक की स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया है। साल 2022 के आम बजट में आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार ने 2000 किलोमीटर तक के रेल नेटवर्क को कवच के तहत लाने की योजना बनाई है। दक्षिण मध्य रेलवे की जारी परियोजनाओं में अब तक कवच को 1098 किलोमीटर मार्ग पर लगाया गया है। कवच को दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर लगाने की भी योजना है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3000 किलोमीटर है। कवच सुरक्षा प्रणाली आने के बाद हमारी रेलवे की यात्रा और भी ज़्यादा सुरक्षित बनने जा रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।